जो निफ्टी है वो तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता होगा अगर आपने निफ्टी का ये अपडेट अभी तक नहीं देखा है तो इसे देख सकते हैं इसमें आपको ओवरऑल uh, जो वीक का अपडेट है वो मिल जाएगा सो आई थिंक ये इकतीस मार्च का ये एक अपडेट है सो चेक दिस आउट फॉर द निफ्टी इस सेशन में बैंक निफ्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सो so, एक हॉलीडे uh, था ट्वेंटी एट या ट्वेंटी नाइन्थ लेट्सी बट ट्वेंटी सेवन्थ को जो वीक है वो स्टार्ट होता है यहाँ पर आप डेट और टाइम चेक करते रहिएगा सो so, ये मंडे है मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पर था इस सेशन में हमें एंटिसिपेशन हुई थी कि जिस तरह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हुआ है बाय ऑल मीन्स ये एक एंटिसिपेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं सो so, ये पूरी की पूरी जो एंटिसिपेशन है वो इस तरह से थी सो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट ऑलरेडी अराउंड दि सपोर्टिव जोन ये एक एंटिसिपेशन है इस सेशन में अभी हमें इसकी कोई एंटिसिपेशन नहीं है सिर्फ जो भी यहाँ पर दिख रहा है उससे मिनिमम इतना एंटिसिपेट कर सकते हैं मतलब इस हाइट तक सो so, एक रेजिस्टेंस है सो so, एक पॉइंट लगभग इतने थर्टी नाइन सेवन ट्वेंटी तक ये मंडे का अपडेट है ट्वेंटी सेवन्थ का ट्वेंटी एट का चेक कर लेते हैं सो so, ये ट्वेंटी एट का अपडेट है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उस दिन का थर्टी नाइन फाइव फोटी एट ऐसा कुछ है यहाँ पर जो रेफरेंस है यहाँ पर ये डाउन वेव और ये अप वेव चार्ट्स पर अगर आप इसकी एंटिसिपेशन देखें आई थिंक ये तो निफ्टी का चार्ट है लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी इंट्राडे होगा तो फाइव मिनट्स या फिफ्टीन मिनट्स सो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली अपडेट है सो दिस इज द अपडेट ऑन द नेक्स्ट डे सो ये ट्वेंटी एट्थ का अपडेट है ये एक डाउन वेव और एक अपवेव अभी भी ये मार्केट इस हाई के लिए क्वालीफाई करता तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ वो वन आवर का स्ट्रक्चर है वो सेम सेशन में डिस्कस करा हम लोगों ने सो so ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अट्ठाईस मार्च uh, का उसके बाद फिर 29 मार्च का अपडेट या सो उनतीस मार्च का जो अपडेट है यहाँ से जब याद रखिएगा 27 मार्च को ऐसा कुछ नहीं है बट 29 मार्च के बाद लगभग वेंसडे या ट्यूजडे के आसपास से फिर ये जो एंटिसिपेशन है वो यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो गई जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया और यहाँ पर जो एक सॉलिड रजिस्टेंस था यहाँ पर जो कि ये है सो so यहाँ पर जो सिनारी हैं अब वेंसडे से हमने ये स्टार्ट एंटिसपेट करना हमने ये एंटिसिपेट स्टार्ट कर दिया था जहाँ पर ये हाइज हम एक प्लान करना स्टार्ट कर दिए थे सो so, ये 29 मार्च का है 30 ऑफ मार्च को मेरे हिसाब से छुट्टी रही होगी सो so ये थर्टी फर्स्ट थर्टी को क्योंकि यहाँ पर गैप था तो इस वजह से ज़्यादा कुछ मार्केट में वहाँ पर था नहीं एक रेजिस्टेंस था शॉर्ट चालीस हज़ार पाँच सौ पचास के आसपास छोटा सा सेल और सपोर्ट होल्ड करता तो भाई मार्केट लगभग इस तरह से डेवलप हुआ है इसमें अगर ये मार्केट गैप अप नहीं होता तो ये इस दिन को ही एक्चुअली मैंने प्राइवेट ग्रुप में अपडेट करा था सो so जो ऑलरेडी स्विंग्स की ट्रेड थी वो तो ठीक है लेकिन जो आ, अगर फ्रेश एंटिसपेशन है तो वो गैप में निकल गई थी अदरवाइज़ आई थिंक यहाँ पर एक अपडेट है या सो so ये जो एंटिसिपेशन थी 39896 के अपडेट है यहाँ पर टाइम मेरे हिसाब से ये तो रात में मैंने भेजा था जो थर्सडे को लाइव सेशन अपना हुआ था पब्लिक वाला उसके बाद जब मार्केट मैंने एनालाइज़ किया था तो उसमें क्वालिफिकेशन आई थी कि ये जो मार्केट है बैंक निफ्टी का वो इस हाई की तरफ अब बढ़ता जा रहा है सो so, ये अपडेट नौ बजे की है टेक्निकली uh, यहाँ पर गैप अप हुआ है बट अबव दिस सारे बाई सेटअप्स वैलिड थे सो so, जो ऑलरेडी स्विंग्स में थे उन्हें गैप मिला है फ्रेश थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुआ है क्योंकि नेक्स्ट गैप अप होने के बाद ये साइडवेज हो गया था सो दैट्स हाउ दी ओवरऑल बैंक निफ्टी प्राइवेट ग्रुप की हमने इस तरह से अपडेट करी सो ए निफ्टी बैंक निफ्टी सत्ताईस अट्ठाइस उनतीस और इकतीस मार्च के सो दैट्स आई थिंक द बैंक निफ्टी फ्रॉम आवर पॉइंट्स इन द प्राइवेट ग्रुप्स आपकी क्यूरीज चलिए आंसर करते हैं सो पहला क्यूरी है निफ्टी का वीकली स्ट्रक्चर पर लेट्स सी निफ्टी का वीकली स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट है आई थिंक वीकली स्ट्रक्चर आप फ्रेश ट्रेड सेटअप्स के हिसाब से पूछ रहे हो या सिर्फ एक एनालिसिस के हिसाब से पूछ रहे हो अगर वीकली स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर करेक्टिव है इसका जो लार्जर स्केल पर रेजिस्टेंस है वो मेरे लिए 18,000 18,200 सौ का है बट 18 सेम कैसे ये जो बैंक निफ्टी है ना इसमें देखो यहाँ पर ये यह जो रेजिस्टेंस सो so, अभी इसकी टेस्टिंग है सो so, मतलब अगर आप निफ्टी में एंटिसिपेट करो तो अठारह हज़ार अठारह हज़ार दो सौ की टेस्टिंग है बट अगर उस टेस्टिंग के बाद या उस टेस्टिंग के थोड़ा पहले ये मोमेंटम कन्फर्म हो जाए या फिर वो वेव जो ऊपर जा रही है वो कन्फर्म हो जाए तो फिर लार्जर स्केल पे फर्दर ये अपसाइड कर सकते हैं अदरवाइज ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है बट आई थिंक मिनिमम एंटिसिपेशन अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करें यहाँ पर एक लाइक एक सेल जोन आएगा इस वीक में या फिर कमिंग वीक में उस सेल जोन का जो सपोर्ट है वो है सत्रह हज़ार दो सौ एंड इफ दैट होल्ड्स आई थिंक इसके ब्रेक पर हम अठारह हज़ार दो सौ एंड उसके बाद आई थिंक यहाँ पर रीडिंग मिलना इसकी स्टार्ट हो जाएगी पर वीकली और डेली पर आई थिंक जिस तरह से दिख रहा है ओवरऑल सन्ारो ये पूरा का पूरा जो, जो, जो जोन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक्ूबलेटिव फेज़ है सो आई थिंक जोन के आसपास या फिर इस डिप में जब भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आप मिले वीकली या डेली पर आप बाइस कर सकते हैं सेल्स से एटस अगर आप देख रहे हैं लार्जर स्केल पर तो इस रेड बॉक्स में या फिर अठारह हज़ार दो सौ या अठारह हज़ार एक सौ पचास ऐसा कुछ नंबर है वहाँ पर सो दैट्स आई थिंक द निफ्टी फ्रॉम माय साइड नेक्स्ट क्यूरी है आपका हमें ऑप्शन बायर विल एलिएड वेव हेल्प इन दैट एलिएड वेव एनालिसिस करने का एक मेथड है मार्केट को uh, इसमें चाहे फिर आई I मीन mean, जैसे अगर ये अपडेट लें तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इन ट्रेड्स को आप ऑप्शन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं फ्यूचर में कर रहे हैं इक्विटी में कर रहे हैं इक्विटी मीन्स कोई स्टॉक्स को अगर आप एनालाइज़ कर रहे हैं सो एल वेव इज़ इज़ दी मार्केट एनालिसिस मेथड और अगर आप स्पेशली ऑप्शन बायर हैं तो मुझे लगता है एल वेव पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पर इस तरह से कि मोटिव उसके बाद करेक्शन सो so, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए ये डेडली जोन है सो so, अगर आप एंटिसिपेट कर सकें कि नेक्स्ट मोटिव कहाँ पर आएगा नेक्स्ट हर्डल कहाँ आएगी करेक्शन कहाँ स्टार्ट होगी तो जो ऑप्शन बायर्स हैं वो करेक्शन की स्टार्टिंग या करेक्शन की कंफर्मेशन पर अपनी जो पोजीशन है उसे एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो भले ही इवेंचुअली आपका मार्केट ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन या करेक्शन कंप्लीट करने का ऊपर तो चला जाए पर इसमें आपका टाइम डिके होना है सो so, मेरे हिसाब से Elite wave is the method to analyze, but if you are the option buyer, you must understand the wave analysis क्योंकि impulsive wave आपको यहाँ पे capture करने ना कि corrective wave में फंस कर आपका जो time decay होता है या premium decay होता है उसको face करना, so definitely I think option buying में आपकी help हो सकती है, but um, it's not the strategy, so strategy नहीं होती elite wave, ये analysis का method है, so that's the case here. Next है आपका प्लीज़ रिव्यू हीरो मोटो हीरो मोटो का टाइम फ्रेम नहीं बताया तो चलिए डेली पर उसे एनालाइज कर लेते हैं हीरो मोटो हीरो मोटो ये होना चाहिए डेली पर वीकली पर आई थिंक इस वीक तो थोड़ा सपोर्ट होल्ड कर रहा है पर इस मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स का है और जब तक इसके नीचे है एक्चुअली ये ये जो आप वेव देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा ये वाला सो so, इसको टैग कर सकता है सो बी केयरफुल आई थिंक टैग या टेस्ट करना इतना आसान भी नहीं है यहाँ पर थोड़े दिन आपका हर्डल रहेगा बट इवेंचुअली पैटर्न कंप्लीट होने के बाद यू उल लुकिंग फॉर दी ड्रॉप डाउन सो so, उसका ध्यान रखिएगा दैट्स अ वन आवर स्ट्रक्चर इसका जो रेजिस्टेंस है वो टू फोर टू सिक्स या फिर उसे राउंड नंबर में आप बनाएं तो टू फोर फाइव ज़ीरो दैट्स द हीरो मोटो चलिए नेक्स्ट क्वेरी आपका देव निफ्टी का फोर फिफ्टी पॉइंट वाला जो वेव है उसका करेक्शन एक्सप्लेन कर दो प्लीज़ निफ्टी का 450 फिफ्टी पॉइंट्स आई थिंक इसकी बात कर रहे हैं ये जो वीडियो है अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि इस करेक्शन को कैसे रीड करा है मैंने अगेन ये अपडेट अगर आपको होने से पहले चाहिए तो आपको प्राइवेट ग्रुप में होना चाहिए बट आई मीन जस्ट वॉच दिस वीडियो यह आपको इन डेप्थ या डिटेल में थोड़ी उस करेक्शन की डिटेल बता देगा बट यहाँ पर अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बताऊँ तो वो एक्चुअली डब्ल्यू एक्स वाई करेक्शन है कॉम्प्लेक्स करेक्शन दी वन आवर स्ट्रक्चर आई थिंक ये आपकी करेक्शन है जिसमें आप यहाँ पर जो है सिनारी आपके ये हैं आपका डब्ल्यू ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई सो so, ये एक सिंपल है वो वीडियो चेकआउट कीजिए आपको डिटेल में पता चलेगा आफ्टर दैट यू एंटिसिपेट द नेक्स्ट वेव इसकी कन्फर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी सो आई थिंक कन्फर्मेशन का भी एक अपडेट है मेरे पास लेट मी सी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी सारे बैंक निफ्टी के हैं सो so, उसी वीडियो में ये स्नैपशॉट तो मैंने आपको बताया होगा उसमें मैंने सारे ट्रेडर्स को बोल बोल के रिमाइंड करा था कि यहाँ पर ये वेव एंटिसिपेट की जा सकती है सो दैट्स द केस आई थिंक दस बजकर बाईस मिनट का ये अपडेट है सो दैट्स द हियर चलिए नेक्स्ट क्योरी आपकी सर गुजरात गैस पाँच पर बाई किया है डेली पर व्यू रखना है या लॉस बुक कर लेना चाहिए इफ़ डीपर करेक्शन इज गोइंग ऑन सो गुजरात गैस में डीपर करेक्शन हो सकता है या नहीं ये क्यूरी है गुजरात पहला वाला होगा एक बार मंथली इसका चेक कर लेते हैं आई थिंक है तो साइड वाइज डिपेंड करता है आपके लिए डीप क्या है सो आई थिंक क्या ये आपके लिए डीप है मतलब इतना अफोर्ड कर सकते हैं या फिर ये आपके लिए डीप है डिपेंड करता है कि आपके टाइम फ्रेम पर बाकी जहाँ पर अभी खड़ा है मेरे हिसाब से आई थिंक नोट करो आई थिंक ये एक जोन है यहाँ पर सो so, अगर ये जोन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टेक्निकली ये करेक्शन ही है एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन बट अगर आपको बाइंग चाहिए तो इस जोन से एक्सपेक्ट करो क्योंकि बाइंग तो वहाँ पे बहुत सारी जगह हैं टेक्निकली एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है बट अगर आप इस करेक्शन की बात करें तो इस जोन पर फोकस करो जब तक इस जोन पर है आई थिंक इससे एंटिसिपेट करें एक अप वेव या एक करेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर दी अपर साइड नाव जब ये जोन में आ जाएगा तो मेक श्योर sure करें कि फिर यही जो वेव है यही ऊपर जाए किसी भी रीज़न से अगर ये लेट्स से फोर लाइक चार सौ अस्सी को ब्रीच ना करे तो फिर ये इस लो की तरफ भागेगा क्योंकि जो मोटिव है वो आपका यहाँ पर रहेगा और करेक्शन कम्प्लीशन रहेगी सो so, जोन आपका बाइंग का ये है 480 आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा जैसे निफ्टी में हमने देखा है ना अभी 18,200 का एक जो रेजिस्टेंस है सो so वो डिसाइड करेगा या फिर 18,200 को जो अप्रोच अपन करेंगे उस वेव पर डिसाइड होगा कि आपका ऑल टाइम हाई वहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा वैसे ही सेम आपका यहाँ पर चार का आपका नंबर रहेगा सो दैट्स आई थिंक द गुजरात केस फ्रॉम माई साइड नेक्स्ट है आपका डू यू ऑल्सो टीच इन योर ग्रुप ग्रुप प्राइवेट ग्रुप की आप बात कर रहे हैं टीच नहीं करता मैं वहाँ पे लाइव मार्केट में मार्केट एनालाइज करके जो भी मुझे वहाँ पे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स जो भी समझ में आते हैं जो भी मेरी समझ है वो अपडेट करता हूँ सो so यहाँ पे फुल uh, फ्लेज्ड टीचिंग तो नहीं करता क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि मैं सारे पैटर्न की उनको इंटरनल होता बताऊँ कि ये डब्ल्यू है वो वाई है ये इतना एक्सटेंड हो गया है ये इतना रिट्रिस हो गया है जब तक हम ये डिस्कस करेंगे तब तक पता चला कि जो दूसरी क्योरीज ट्रेडर्स ने पूछी है या फिर जो दूसरे स्ट्रक्चर सपोज करो मैं निफ्टी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ राइट right? इसमें ही अगर पंद्रह मिनट लग गए तो बैंक निफ्टी का ये वाला जो मूव है वो तो चला जाएगा ना सो so, वहाँ पर मैं टीच तो नहीं करता फुल फ्लैश पर आई थिंक अगर एक सपोर्ट की आप बात करें तो वो ज़रूर मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ so, सो अगर आपको लगता है कि आप कुछ पैटर्न देख रहे हो आपको कंफर्मेशन चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं so, सो वो मैं बता सकता हूँ बट फुल फ्लैच टीचिंग नहीं है वहाँ पर सपोर्टिव प्रोग्राम है वो सो दैट्स द केस केसियर चलिए नेक्स्ट है आपका ओके रेस्ट ऑफ द क्यूरीज तो मुझे चार्ट पर दिख रही हैं चलिए चार्ट पर मैं एक और लास्ट क्यूरी लेता हूँ देन विल कॉल इट अ डे गुड इवनिंग सर पी ई एल ऑन अ वीकली चार्ट एंड स्विंग प्लीज चलिए पी ई एल को देख लेते हैं वीकली चार्ट पर पी ई एल डेली वीकली ओके थ्री मंथ्स देखना पड़ेगा सो इट्स अ साइडवेज मार्केट लार्जर स्केल पर तो साइडवेज ही है ज़्यादा कहीं हम जा नहीं रहे हैं रेजिस्टेंस जो है वो आपका मूव होकर टेक्निकली ज़रा सा ही मूव हुआ है इतना तो वहीं रहना तो उसमें कोई फर्क नहीं है सो पी ई एल अगर डेली बेसिस पर बात करें तो आप इस करेक्टिव फेज में हो देट्स हाउ यू लुकिंग एट एट द पी एल ये आपका डेली स्ट्रक्चर हो गया वीकली पर आपका आ, कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ पर क्लियर नहीं है अगर आप नोट करो वीकली और मंथली पर अगर आप देखें इस पैटर्न को तो सिर्फ आपके पास एक पीस अप है एक पीस डाउन है एक पीस अप है एक पीस डाउन है फॉर्मेशन में है अभी तो मोस्ट प्रॉब्ली ये आपको मंथली स्ट्रक्चर पे हूँ मैं और लार्जर स्केल पे ये आपको अब आप थोड़े दिन बस यहाँ पे बस करता हुआ यही मिलेगा सो मोस्ट इट्स अ साइड स्ट्रक्चर जस्ट बी केयरफुल सात सौ बारह इस मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो सिक्स हंड्रेड एक रफ नंबर या फिर ये जो जोन है उस पर आप फोकस कर सकते हैं बट ध्यान रखिएगा इसमें आप करेक्टिव फेज में हैं दैट्स द केस चलिए एक क्यूरी आई थिंक एल वेव पर है सर एलिड वेव एंड न्यू वेव में डिफरेंट है या सेम है एलिड वेव जो है वो आ, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटेड थ्योरी है वेव एनालिसिस में सो वेव एनालिसिस या देखो मार्केट की ये जो वेव है ना ये जो मूवमेंट है उनको स्टडी करने को वेव एनालिसिस हम बोलते हैं इम्पलसिव एंड करेक्टिव जिसमें एलियट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है फिर थोड़ा सा ट्वीक इधर उधर करके आई मीन डाउ थ्योरी है आपके पास न्यो वेव है और मुझे लगता है एक बार वेव एनालिसिस एक लार्जर स्केल पर यूनिवर्सल स्केल पर समझ लो फिर एलियट वेव न्यू वेव डाउ थ्योरी दे ऑल आर द सेम इसमें आई I मीन mean, फर्क नहीं आएगा सो so, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जैसे लाइक निफ्टी का एक ये वाला सिनारियो लो अगर ये एलियड वेव में एक्स है अगर आपका नियो वेव लेते हैं उसमें ए आता है फर्क क्या पड़ता है 450 पॉइंट्स आपके 450 पॉइंट्स रहेंगे राइट डज इट चेंज एनी नहीं पड़ता सो दैट्स द सेम सिनारियो सो मुझे लगता है यूनिवर्सल स्केल पर आपको वेव एनालिसिस पर एलियड वेव पर फोकस करना चाहिए बिकॉज एलिएट वेव इज देयर जहाँ पर आपकी मोस्ट कंट्रीब्यूशन हुई है मतलब कि जो जगजैक्ट uh, और जगजेट के अलावा जितने भी आपके करेक्टिव स्ट्रक्चर है दे ऑल आर ड्राइव फ्रॉम द एल वेव और उसके बाद फिर आपके वेरिएशन जाते हैं बट आई थिंक यूनिवर्सल इज़ द सेम या यूनिवर्सल कंसेप्ट इज़ द सेम चलिए दैट्स आई थिंक द ऑल द क्यूरीज एट द मोमेंट चलिए सो विद दैट्स सेट डन आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइज आप इसके साथ आप जो लाइव मार्केट में सपोर्ट अगर एंटिसपेट कर रहे हैं तो हमारा प्राइवेट ग्रुप चेकआउट कर सकते हैं थैंक यू सो मच आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम